हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममा एंड बेबी एंड माय सेल्फ बबीता रावत। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लेबर रूम से रिलेटेड, ठीक है। तो जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसके माइंड में ये क्वेश्चन जरूर आता होगा कि जब लेबर रूम में ले जाया जाएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो हर वुमेन ये सोचती है, मैं भी ऐसी क्वेश्चन, मेरे माइंड में भी बहुत क्वेश्चन थे उस टाइम पे। मतलब मेरे माइंड में तो डिलीवरी चली रहती थी पूरे प्रेगनेंसी टाइम में, मुझे तो मतलब सपने भी डिलीवरी आते थे और मेरे माइंड में ज्यादातर यही चलता था डिलीवरी डे को लेकर, पता नहीं क्या होगा। बट थैंक गॉड जिस दिन डिलीवरी थी उस दिन बहुत ही पॉजिटिव हो गई थी मैं और सब कुछ पॉजिटिव हुआ। तो मैं आपको बता दूं, लेबर रूम में ले जाने से पहले क्या होता है कि सबसे पहले वो देखेंगे सर्विक्स डायरेक्शन 10 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब कंप्लीट जब हो जाता है तब आपको वो लेबर रूम में ले जाते हैं, यानी कि आप डिलीवरी के लिए रेडी हो, यानी कि बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर तक खुलना चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही डॉक्टर चेक करेगा कि आपका सर्विक्स डायलेशन कंप्लीट हो गया है, यानी कि बच्चेदानी का मुंह इतना खुल चुका है जितना डिलीवरी के लिए चाहिए, तो उसके बाद वो आपको लेबर रूम में लेके जाते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या होता है, अंदर आपको पुश करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है। तो मेन आपको बस पुश करना होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो कई बार क्या होता है, पुश नेचुरली हो जाता है और बेबी डिलीवर हो जाता है, बट कुछ केसेस में आपको पुश लगाने में थोड़ा सा एनर्जी लग जाती है, तो वो डॉक्टर आपको बताएगी तभी आपको पुश करना है। जब डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देगी वो आपको खुद बताएगी कैसे पुश करना है, तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, डॉक्टर के एडवाइस को फॉलो करना होता है बस, ठीक है। तो अंदर तो हस्बैंड वगैरह को अलाउड नहीं करते फैमिली मेंबर को उस टाइम पे, तो आपके साथ नर्सिस होंगे और डॉक्टर होगी। तो नर्स बहुत कोऑपरेट करती है उस टाइम पे, जो नर्स रहती है, मेरी जो नर्स थी उस टाइम पे उसने बहुत कोऑपरेट किया, हाथ पकड़ते रखा, मतलब फुल सपोर्ट दिया उसने जब मुझे इतना पेन फील हो रहा था। तो नर्स आपको फुली सपोर्ट करती है अगर अच्छी नर्स हो, वैसे भी आपकी बॉन्डिंग बन जाती है जब आपका ट्रीटमेंट चलता रहता है, तो आप मिलते रहते हो नर्स से तो बॉन्डिंग भी बन जाती है, और डॉक्टर भी फुली कोऑपरेट करते हैं उस टाइम पे जब आप पेन में होते हो। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है लेबर रूम के अंदर, तो जैसे ही पुश करने के लिए आपको डॉक्टर कहेंगे तो आपको करना है। तो थोड़ा टाइम कई कई बार लग जाता है, पर जब बेबी डिलीवर हो जाएगा तब आपको पूरा रिलैक्स मिल जाएगा अंदर जाके, जब आप देख लोगे बेबी हो गया और डॉक्टर दिखाते हैं कि बेबी आपका डिलीवर हो चुका है, तो उसके बाद आपको काफी रिलैक्स फील होता है बेबी को देखकर, क्योंकि उसी के लिए तो आप इतना वेट कर रहे थे। तो उसके बाद जो ये प्रोसेस चलता है स्टिचेस वगैरह का, तो उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता वैसे, मतलब आपको बस फील होगा कि आपको स्टिचेस वगैरह लग रहे हैं डिलीवरी के बाद, बट आपको इतना मतलब उस टाइम पे कोई पेन फील नहीं होता, कुछ पता ही नहीं चलता। ऑलरेडी हम इतना पेन बियर कर चुके होते हैं, टॉलरेट कर चुके होते हैं, तो स्टिचेस वगैरह लगते हैं, उसके बाद बस लेबर रूम में इतना ही होता है, उसके बाद आपको बाहर ले आते हैं। ये तो नॉर्मल डिलीवरी की बात की मैंने, और जिनका सिजेरियन ऑपरेशन होता है उनको तो खैर उनका कुछ का तो पेट डिसाइड होता है कि आपका सिजेरियन नहीं होना है, तो उनको तो बस जिस दिन डेट फिक्स होती है तो ऑपरेशन थिएटर में ले जाएंगे। और उसके बाद सिजेरियन में क्या होता है, सबसे पहले एंथीसिया दिया जाता है, वो बैक पे एक इंजेक्शन लगता है जिससे कि सुन्न हो जाता है, उसके बाद पेन फील नहीं होता है। तो सबसे पहले वो इंजेक्शन लग जाएगा, उसके बाद 15 या 20 मिनट तक वो ऑपरेशन चलता है जिसमें बेबी को पेट में कट लगा के बाहर निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, आप बिल्कुल बेहोश नहीं होते उस टाइम पे भी, आपको सब कुछ फील होता है कि आपके पेट में जो वो है लेयर्स कट कर रहे हैं, बेबी बाहर निकाल रही है, सब आपको फील होता है, स्टिचेस लग रहे हैं, तो फील आपको होता है, आप इतना मतलब बेहोश नहीं हो जाते हो कि आपको कुछ फील नहीं होगा, बस आप सुन्न हो जाते हो और सब कुछ आप फील कर सकते हो, तो ऐसा फील होता है। और ऑपरेशन भी बस मतलब 15-20 मिनट का रहता है प्रोसेस, उसके बाद स्टिचेस लग के, ये छोटी प्रोसेस रहती है, इतनी लॉन्ग टाइम नहीं रहती है, तो लेबर रूम में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें ज्यादा टाइम लग जाता है, वैसे थोड़े टाइम की बात रहती है लेबर रूम में। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ खतरनाक नहीं होगा आपके साथ, बस बेबी डिलीवर होगा, थोड़ा बहुत पेन तो खैर डिलीवरी है तो पेन तो होना ही होना है, बट ठीक है, वो टॉलरेंस पावर उस टाइम आ जाएगी। तो ये होता है लेबर रूम के अंदर। तो आई होप आपको जो माइंड में क्वेश्चन था उसका आंसर आपको मिल गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जिनकी डिलीवरी पास है तो इसको लेकर आप बिल्कुल ना घबराएं, बस आप अपनी प्रेगनेंसी एंजॉय करें, तो थोड़े टाइम को वो भी सहन हो जाएगा, जब वो टाइम आएगा हर चीज सहन हो जाती है, जब टाइम आता है ना, तो टाइम सबसे बड़ी चीज है मेरे ख्याल से, टाइम से बढ़कर कोई चीज नहीं है, वक्त आपको सिखा देता है ऐसा कहा जाता है, तो सही बात है, टाइम के अकॉर्डिंग आप सब कुछ एडजस्ट कर लेते हो। तो इंजॉय योर प्रेगनेंसी एंड आई होप आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई, और अगर पसंद आई तो प्लीज मेरे चैनल को
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने से सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी जो भी मैं आगे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।